श्रीकृष्ण फूड ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का श्रीखंड की रेसिपी लेकर आई हूँ, अंगूरी पेठा श्रीखंड या पेठा श्रीखंड। यदि आप वही पुराने श्रीखंड से बोर हो चुके हो तो आप इस तरह के श्रीखंड ट्राई कर सकते हैं। और भी श्रीखंड की रेसिपी मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम हंग कर्ड लिया है, रात को मैंने छन्नी में रख के इसको फ्रिज में रख दिया था, तो ये सुबह आराम से इस तरह से इसमें से पानी निकल गया और अच्छी तरह से ये थिक हो चुका है। तो 200 ग्राम यहाँ पर हंग कर्ड लिया है। अंगूरी पेठा इस तरह से आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आ जाते इजीली मिल जाते हैं इस तरह के। यहाँ मैंने ये चार अंगूरी पेठा जो था उसको किस लिया है। आप और भी कलर के कोई भी कलर का ले सकते हैं, मेरे पास येलो वाला था, केसर वाला, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप वाइट भी ले सकते हो, फिर उस पर आप कलर डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मोटी वाली किसनी है उससे मैंने किसा है। सबसे पहले तो हम दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, थोड़ी सी चीनी डालेंगे सिर्फ दही की खटास को कम करने के लिए, बाकी इसमें बहुत चीनी होती है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं चीनी को। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून चीनी ले रही हूँ, काफ़ी होगी इसके लिए। इसको अच्छी तरह से हम स्मूथ करते हैं पहले। कई लोग श्रीखंड को छानते भी हैं पर ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बीट हो जाएगा। दही को अच्छी तरह बीट करेंगे तो ये थिक हो जाएगा, अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। यानी दही की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। अच्छा फुल फैट क्रीम वाला दही लेंगे, जो दूध लेते हैं हम उससे जमाते हैं वो लेंगे तो अच्छा निकले दही बनेगा। चाहे तो बीटर से भी कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको फेंट सकते हैं। ये फेंट चुका अच्छी तरह से। अब हम इसमें ये पेठा डाल देंगे किसा हुआ। ये 4 इस साइज के थे, इसको मैंने मोटी किसनी से किसे थे। इसको मिला लेते हैं अच्छे से, मिलाने केसर वाला पेठा है ये। अच्छे से मिक्स करें इसको। आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं डायरेक्ट बोल में ही। यहाँ पर मैं छोटे छोटे शॉर्ट ग्लास हैं उसमें सर्व करूँगी, आपकी चॉइस है आप इसको कैसे सर्व करना चाहते हैं। आप चाहे तो इस पर और भी केसर डाल सकते हैं, चाहे तो कलर डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी कलर का। ये अच्छी तरह से मिल चुका है। यहाँ पर मैं इस तरह के ग्लास ले रही हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट ग्लास इसमें सर्व करेंगे, आसानी होती है थोड़ा सा। तो इसको इसमें निकाल लेते हैं। अंगूरी पेठा से बनी हुई गुजिया की रेसिपी भी मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थोड़ा सा टैप करते हैं इसको, इसमें 3 बन जाएंगे इस साइज के, तीनों को ऐसे ही भर देते हैं। यहाँ मैंने ये तीनों भर लिए हैं। यदि इतना इतना सर्व करेंगे तो 3 होगा, और इससे भी छोटे शॉर्ट ग्लासेस में करेंगे तो 4 हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा गार्निश करते हैं। यहाँ पर थोड़े हुए किसे हुए मैंने अंगूरी पेठा लिया है, उसी से हम इसको गार्निश करेंगे ऊपर से, दिखने में अच्छा लगेगा ये। और इसमें बहुत चीनी नहीं है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाली है दही में, सिर्फ ये पेठा की जो है वही शुगर है इसमें। आप चाहे तो ज़्यादा खाते हो तो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इस तरह से थोड़ा श्रीखंड को अलग तरह से प्रेजेंट किया है यहाँ पर। ऊपर से मेंट की पत्ती से हम इसको सजाएंगे ग्रीन के साथ में, येलो का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है इसलिए। आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आगे जो भी वीडियोस लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। तो लीजिए हमारा अंगूरी पेठा श्रीखंड तैयार है। यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू।